सो नहीं सकी मैं। रूबी का चेहरा रात भर मेरी आंखों में फिरता रहा। रूबी का सुन के वाकई बहुत अफसोस हुआ। बहुत जिंदा दिल थी। शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैंने उससे राब्ता क्यों नहीं किया। पहले तो राब्ता था ना तुम दोनों का। लेकिन जब से वो कनाडा शिफ्ट हुई थी तो अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ हो गई कि फिर कोई राब्ता ही नहीं रहा। अच्छा ये बताएं, अगर आज आपके पास टाइम है तो जुबैर भाई की तरफ चलें? रूबी के भाई के घर? जी, मैं सोच रही थी रूबी की ताजियत भी कर लूंगी और उसकी बेटी से भी मिल लूंगी। अब मैं वहां जाके क्या करूंगा? तो ऐसा करो तुम खुद ही चली जाओ, बल्कि टीना को भी साथ दे चलो। जी, टीना अपने कमरे से निकलेगी तो कहीं जाएगी ना। टीना का प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कई बार पूछा, मुझे तो कुछ नहीं बताती। देखो मदिया, तुम माँ हो उसकी, तुमसे ज्यादा उसके करीब कोई नहीं हो सकता। ट्राई टू फाइंड हर प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आज बड़े अरसे के बाद हमें ये शक पूछा जा रहा है। कम ऑन गॉड, मैं तो अक्सर नाश्ता आपके साथ ही करती हूँ। जी जी हाँ, लेकिन इस बार कोई लंबी ब्रेक आ गई है। वही रात रात मोबाइल पर बिजी रहेंगे तो सुबह तो देर से आंख खुलेगी। जी खबरदार, खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा। तौबा करें जनाब, हमारी क्या मजाल। जाम दे दे।